अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, और आप इसे स्नैक्स पे भी बना सकते हैं या अफ्तार में भी बना सकते हैं, तो दोनों तरह का हो सकता है। तो ये हमारे घर का बहुत ही फेवरेट है, सबका बहुत ही पसंदीदा है, तो हमने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो इसके लिए हमने ये पोटैटो बॉईल करके मैश कर लिए हैं। दो बड़े पोटैटो, बड़ा साइज़ का जो आलू होता है वो लेकर के मैश कर लिए, ग्रेट कर लीजिए या मैश कर लीजिए। हाफ कप चिकन लिए हैं, बॉईल करके इसको श्रेडेड कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून कैप्सिकम, इसे अच्छे से धो करके चॉप कर लिए हैं। गाजर, ये 1 टेबल स्पून है और ये 2 टेबल स्पून है। दो अलग अलग रखे हैं क्योंकि दो जगह यूज़ होगा, इसलिए हमने पहले ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसमें और क्या इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको सही से समझ में आएगा कि किस तरह से बनाया गया है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये रेसिपी कैसा बना, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ और भी अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने एक छोटा सा फ्राई पैन लिए हैं, इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, इसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन को इसमें ज़रा फ्राई करना है। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, डालेंगे सॉल्ट, ये भी 1/4 टीस्पून है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। 1/2 टीस्पून वेनेगर, सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून, हॉट सॉस 1 टीस्पून। अब इसे मिक्स करना है। अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम, 1 टेबल स्पून कैप्सिकम ऐड करना है। वन टेबल स्पून गाजर, गाजर भी हमने ग्रेट कर लिया है। ठीक है, अब इसे मिक्स करना। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मायनीज, अब इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठीक है, आप इसमें कोई भी मायनीज यूज कर सकते हैं, प्लेन मायनीज हो या चिली मायनीज, गार्लिक मायनीज, आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें। ये मिक्स हो गया, अब फ्लेम ऑफ करके इसको साइड में रखते हैं। अब जो रिमेनिंग गाजर, जो 2 टेबल स्पून गाजर था, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे कि इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम ड्राई हो जाए। ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 मिनट इसे ड्राई रोस्ट करना। पोटैटो में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। गाजर जो हमने अभी फ्राई किया था, ड्राई रोस्ट किए, वो ऐड हो जाएगा। हरा धनिया चॉप किया हुआ, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, आप ग्रीन चिली भी इसके जगह ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर,
1 टेबलस्पून मैदा, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, हम मिक्स करते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ऐड करके इसे मिक्स कर लेना है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून वॉर्चेस्टर सॉस, 1/2 में ऑयल ग्रीस करके पहले हम पोटैटो लेंगे, आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी शेप इसका बना सकते हैं। इस तरह से बना के हमें रखना है। अब इसे मैदा में कोट करेंगे इस तरह से। इस तरह से कोट करना है मैदा में, और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उसे निकाल देना है। फिर इसको अंडे में कोट करना है, डिप करना है। फिर इसे ब्रेड क्रम में, और अगर इसका डिज़ाइन कुछ चेंज हो जाए तो हाथ से इसे शेप भी दे देना है इस तरह से। तो इस तरह से बना के रखने का है। इसी तरह से ये दूसरे को भी हम दिखा दे रहे हैं। आप इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, सिलेंडर शेप या सर्कल, राउंड, कोई भी। मैंने जैसे लंबा बनाया है, आप इसका कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से कोट करके सब रखते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, हमने फ्राई, जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हम ऐड करते जाएंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे टर्न करना है, देखिए इस तरह से। और जब दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से हम निकाल रहे हैं उसी तरह से आप लोग को निकालना है। मेरे नए देखने वाले को कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप बताइएगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में याद रखिएगा, हम भी आप सबको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।